Uh, ऐसा मतलब बिल्कुल यही आप करेंगे लेकिन हाँ जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किए हैं नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ और भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यही है ठीक है और एक और चीज़ इफ़ यूल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू लाइक शेयर एंड डो ड्रॉप अ कामेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि यू वॉन्ट टू सी सम मोर वीडियोज़ लाइक दैट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल ठीक है तो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कुछ और भी डिब्ब्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ लाइक like, अगर आपका कोई भी चैप्टर है उसमें आपके एट टू टेन मार्क्स जाते हैं जैसे लाइट में आपके एट मार्क्स है फाइन इसमें जितने भी टॉपिक्स आप लर्न करोगे तो ऑब्वियसली एक तो वो टू द पॉइंट होने चाहिए तो लेंथ वाइज भी उनका अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए दे शुड बी लेंथ थी तो एक अच्छा खासा आंसर आपको लर्न करना है विथ शुड बी टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट टू द कॉन्सेप्ट एज वेल फाइन तो रिफ्लेक्ट सॉरी लाइट में जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेजेस terms related to spherical mirrors like pole center of curvature aperture radius of curvature principle and principal focus image formation of concave mirrors like a question can be asked uh, like draw and discuss image formation of concave mirrors then refraction and its laws आपको लग रहा होगा कि ये तो सारा ही है लेकिन सिर्फ लाइट में ही है लाइट uh, में ही कुछ ज़्यादा टॉपिक्स है बाकी में थोड़े कम हैं ओके लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस आई मीन ड्रॉ एंड डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजेस ऑफ कॉन्केव कन्वेक्स एंड सॉरी कन्केव एंड कन्वेक्स मिरर्स साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिररर्स एंड लेंसेस कॉजिस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन पावर ऑफ लेंस एंड डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस तो ये सारे टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे उसके बाद सिर्फ लाइट में ही थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं उसके बाद जैसे कि ह्यूमन आई है उतने भी टॉपिक्स नहीं रखे हैं वैसे भी उतना लेंथी चैप्टर नहीं है जैसे कि लाइट है है ना ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ फाइव मार्क्स इजेंट इट तो इसके आंसर्स आप अकॉर्डिंगली ही लर्न करेंगे अब लाइट जो है वो बराबर आठ मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक लॉन्ग टाइप होगा फाइव मार्क्स का एक शॉर्ट टाइप होगा थ्री मार्क्स का ठीक है तो फाइव मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक लॉन्ग टाइप आंसर लर्न करना होगा जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं ह्यूमन आई के भी फाइव मार्क्स ही है तो डिफाइन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई डिफाइन मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया with causes and remedies define persistence of vision and power of accommodations of an eye define dispersion of white light along with the causes causes of dispersion okay? and define visible spectrum atmospheric refraction and formation of the rainbow then tendril effect and why are dangerous signals red सो दैट वीज ऑल फ्राम ह्यूमन आई देन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स अब ये छः मार्क्स का पूछा जाता है फाइन तो मे बी फाइव मार्क्स का लॉन्ग टाइप आ सकता है और एक मार्क्स का मल्टीपल चॉइस या फिर इन द ब्लैंक या वेरी शॉर्ट टाइप आ सकता है ठीक तो इसमें कौन से टॉपिक्स है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं फर्स्ट वन इज डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक कारंट्स हाउ आर दे मेजर्ड एंड देयर यूनिट्स ऑल्सो ठीक है ये एक ही पॉइंट है Define and explain Ohm's law. Define resistance of a conductor and hence state the factors on which resistance depends. Define resistivity of a substance. What are its measuring units? Okay. Then state and derive the combination of resistors in series and parallels. I mean, yes are questions. We some every year. So they can be likely asked in the examination. डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड गिव डिफरेंट रिलेशन यूज टू मेजर पावर दैन डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये सारे टॉपिक्स थे जो कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में ठीक है ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इट्स जस्ट आर ऑफ़ माई एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है ठीक है हंड्रेड परसेंट यही होगा पेपर ये मुझे नहीं पता बट नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आई थिंक इसके फोर मार्क्स हैं ठीक है तो चार मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप इसके आंसर्स लर्न करेंगे पांच पांच पेज के आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप लाइट में कर रहे हो ह्यूमन आई में कर रहे हो या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स के बारे में देख रहे हो ठीक है देन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड गिव देर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइंड सोलिनॉय एंड वॉट आर इलेक्ट्रिक मैगनेट्स देन डिफाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसड इन अ मैगनेटिक फील्ड डिफाइंड फ्लैमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल डिस्टिंगविश बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है पेपर में फ्लैमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल भी आ सकता है फाइव मार्क्स का आई मीन या वेरी शॉर्ट आई मीन सॉरी शॉर्ट टाइप में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन आई मीन डिफाइन इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन देन इलेक्ट्रिक सेफ्टी फ्यूज एंड इट्स कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ओके देन सोर्स ऑफ एनर्जी ये हार्डली थ्री मार्क्स का आता है तो इसमें लॉन्ग टाइप आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है कुछ बच्चे यू you नो know, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं होता है आइडिया वो क्या करते हैं कि अगर किसी रेफरेंस पे या नोट्स पे दो दो तीन तीन पेज का आंसर लिखा हुआ है तो वो सोचते हैं कि इतना सारा लर्न करने से तभी उनके मार्क्स मिलेंगे लेकिन जहाँ पर जितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लर्न करना होता है इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्ड फॉर थ्री मार्क्स वाई टू राइट वाई टू राइट सो मच इन दैट आंसर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू हैव टू फिल योर आंसर शीट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गैर ठीक है जितने का मार्क जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना है जितना आप फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आंसर लर्न करोगे उतना आपको थ्री मार्क्स के थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इस बात का आइडिया नहीं होता ठीक है जिनको पता इट्स फाइन व तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मुझे लगता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कोल्स इसमें बहुत सारी चीजें आती है अगेन मैं आपसे वही कहूँगी कि थ्री मार्क्स को ध्यान में रख के इस टॉपिक को इस चैप्टर को प्रिपेयर करना ठीक है कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि चार चैप्टर्स uh, लर्न कर, कर दिए तो पांचवा ड्रॉप इट विल लीव इट क्योंकि चार आ गए अगर तीन मार्क्स कट भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बेटर नहीं है अगर जो आप ये ड्रॉप कर देते हो उससे बेटर है कि आप तीन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लर्न करो उतना लंबा लंबा आंसर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है बट जस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन लर्न द चैप्टर ठीक है ना सो so ये पहला टॉपिक देन टाइप्स ऑफ कोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल गैस द नेचुरल गैस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी आस्ट ओके विंड एंड सोलर एनर्जी उसके आई मीन विंड एनर्जी सोलर एनर्जी उसके मेरिट्स एंड डी मेरिट्स दैन सोलर कॉन्सटेंट डिफाइन सोलर कॉन्सटेंट दैन डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ठीक है इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज फॉर बायो कैमिस्ट्री